नमस्कार, मैं हूँ राहुल कुमार दर्शन ने पोस्ट। शाहीन बाग में एक प्रोटेस्ट चल रहा है एक महीने से, और यहाँ पे एक हमारे साथ 70 वर्ष के एक दादाजी खड़े हैं। आज उनसे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या मुद्दा है, क्या सीए और एनआरसी से आप मतलब परेशान है, इससे आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम होगा? देखो, सीए का एक इन्होंने जो धर्म के बेस पर किया है ना, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि हमारा देश है धर्म, हमारी जो संविधान है वो धर्म निरपेक्षता पर है। तो ये धर्म का सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर बाकी इन्होंने 6 धर्म लिए हैं, वो क्यों? मुस्लिम से क्या परेशानी है? वो भी तो यहाँ हमारे भाई बहन ही हैं, वो भी तो यहीं के नागरिक हैं। जैसे कि वो मोदी जी बोलते हैं कि वहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम है, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है, आप इस बात से सहमत है? बिल्कुल नहीं मैं सहमत हूँ, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। जो प्रताड़ित है वो किसी भी धर्म का हो सकता है। धर्म क्यों लिया गया है? एक तो मैं वैसे जो आ रहे हैं वो ले रहे हैं, मैं उसी के अगेंस्ट हूँ, उसी के अगेंस्ट। जो आए हुए हैं उनको निकालो नहीं, उनको आदर सम्मान दीजिए, सब फैसिलिटी दीजिए, क्योंकि जब बाकी हमारी इतनी जनसंख्या है उन्हीं को नौकरियाँ नहीं दे रहे तो इनको कहाँ से देंगे? इस प्रोटेस्ट पे आप कुछ बोलेंगे? एक महीने से चल रहा है, तो पूछना चाहिए पहले उनसे कि एक महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको फुर्सत क्यों नहीं मिल रही आके समझने के लिए मुद्दे? वो खुद क्यों नहीं आते हैं? सरकारी रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं आते हैं? वो किस लिए हैं यहाँ? मतलब जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि आपका सीएए जो है अनकंस्टिट्यूशनल है, ह्यूमन राइट के खिलाफ है ये। मतलब जब से ये प्रोटेस्ट चालू है तब से यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव और नेता तो आते जाते हैं, हर पार्टी के आते जाते हैं, वो अपना आते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट यहाँ मेनली जो है औरतें चला रही हैं, बच्चे चला रहे हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, हम किसी को इनवाइट भी नहीं करते हैं, हम किसी को मना भी नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे मोदी जी, धैर्य से सुनिए, जब आपने मुझसे पूछा है तो धैर्य से सुनिए। हमारे मोदी जी जो है प्राइवेट कॉरपोरेट वाले जो हैं, अंबानी अंदानी के यहाँ जब शादियाँ होती है तो वहाँ चले जाते हैं, उनको फुर्सत मिल जाती है, और यहाँ पब्लिक करा रही है उनको फुर्सत नहीं मिलती है। क्या मिलता है इससे, क्या संदेश मिलता है कि हमारे जो रहनुमा बने हुए हैं, हमारे जो बड़े टॉप लेवल के पॉलिटिशियन हैं, आज भी उनका जो है ना राजा वाला मेंटेलिटी खत्म नहीं हो रहा है। वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है, वो राजा है, और एक दूसरी की कैटेगरी है हम लोगों की, है आम आदमी की है, बिल्कुल डिवाइड करके रख दिया उन्होंने। NPR भी जोड़िए, ये तीनों आइसोलेशन में नहीं लेना है, तीनों मिल के बहुत ही खतरनाक है। अब इस पर आप जितना पूछेगा मैं आपको बता दूंगा। मतलब इसमें जैसे कि उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बोले हैं कि आप डॉक्यूमेंट, कोई हक ही नहीं बनता है ये पूछने का, कोई नहीं बनता है। कभी पहले नहीं पूछा गया, डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं पूछा गया, फादर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब कभी नहीं पूछा गया। ये सब एजेंडा है सिर्फ परेशान करने का। इससे हासिल क्या हुआ आप देखिए, असम में क्या हुआ, असम में जो हुआ उससे 19 लाख लोग मतलब स्टेटलेस हो गए, बहुत बड़ी आबादी। उसमें कुछ लोग ठीक हैं कि कुछ लोग उसमें गिल्टी होंगे, कुछ लोग आए होंगे माइग्रेट करके, लेकिन आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि इंडियन लोगों से सिटीजनशिप नहीं छीनी है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अब जब सिर्फ असम में ऐसा हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में जब इसको आप लागू करोगे तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा?